तो हम ये कह रहे थे जल को लिखित, जल ये इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है ताम्रपाषाण। तो अब हम कहानी कैसे चलते हैं, तो हम लोग कहानी कहाँ पर खत्म किए थे, सिंधु घाटी सप्ताह से। तो सिंधु घाटी सप्ताह में जो चीजें हमारे पास थी वो खोद के हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन वहां से क्या लिखे तुम मैम, सिंधु घाटी सप्ताह में जो हमको चीजें मिलती है ना वो सब सारे पुरातात्विक शास्त्र क्या है, मतलब खोद के जमीन से हम लोग निकालते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग पता करते हैं कैसा कैसा साक्ष्य है वो पुरा। इसे देखो मेरा बात तो बड़ा ध्यान से सुनना होता है, अगर कोई चीज तुम्हारे एग्जाम उसमें नहीं भी दिया हुआ है ना, लेकिन अधिकतर चीजों को अपने लेक्चर में हम खत्म करके बोल देते हैं, ठीक है। तो बार बार जब भी टेस्ट होगा तो उसमें किसी न किसी माध्यम से तुम्हारा क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा, ठीक है। अलग अलग किताब से क्वेश्चन रहेगा तो वो तुम्हारा आज नहीं कल फिर डिस्कस कल कराएंगे तो वो आ ही जाएगा क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। देखो अब कहानी ऐसे चलता है, हम लोग कहानी खत्म किए थे कि सिंधु घाटी सप्ताह क्या हुआ, विकसित सप्ताह हुआ, शहर बना और खत्म हो गया। खत्म होने का अलग अलग कारण है, बहुत लोग मानते हैं बाढ़ आया, कुछ लोग मानते हैं भूकंप आया, कुछ आया बोलते हैं कि जलवायु में परिवर्तन आया, कुछ लोगों का मानना था कि बाहर से आक्रमण किया और सिंधु घाटी सप्ताह इस तरह से खत्म खत्म ऐसे कि आप देखो हम क्या बताए थे कि अधिकतर नगर कहाँ पे था, नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो लोग मानता था अचानक क्या हुआ ना कि बाढ़ आया नदियों में और खत्म हुआ, तो कुछ लोगों का मानना था भाई अचानक नदी में सब नदी में के बार कैसे बाढ़ आ गया, तो इसीलिए अलग 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 मत है। कुछ लोग बोलते थे भूकंप, कुछ लोग सुखाड़ हो गया, कुछ लोग बोले बाहर से आक्रमण आया आर्य लोग, कुछ लोगों को मार पीट, ये लोग सब था आर्यन लोग लड़ाकू, हम लोग लड़ाकू हैं, खच्चर आदमी है, मार पीट के भगा दिए, हम लोग गाँव में झगड़ा करते रहते बैठको की बैठा आ गए। लेकिन सिंधु वासी लोग ऐसे नहीं थे, और आर्यन लोग क्या किया, तलवार का खोज कर लिया, क्या क्या तलवार का खोज कर लिया, लोहा का खोज कर लिया, लोहा का खोज होते ही जबरदस्त कुल्हाड़ी का खोज कर लिया, फरसा मैन परशुराम, परशुराम जी का कहानी सुनाएंगे, तलवार का खोज लिया तो सबको मारपीट के भगा दिया। मैंने कुछ लोगों का मानना है इस लोगों को तुम लोग मारपीट के भगा दिए और फिर कब्जा कर लिया उनके जगहों को और फिर हम लोग रहने लगे। अरे काल बचा होगा तो ठीक है, वो लोग अपना रह रहा दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं लोग तो है अभी। तो कहने का मतलब कैसे न कैसे करके सिंधु घाटी सब तक खत्म हो, ठीक है, सिंधु घाटी सब तक खत्म हो गया। तो मतलब सिंधु घाटी सब तक ये जो सारी जगह है ना, जैसे सारे सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत, ठीक वैदिक लोग इधर हरियाणा इधर दिल्ली के आसपास फिर से लोग रहना शुरू किया और धीरे धीरे, अब सुनो इसमें एक चीज और समझना हमको, ये जो कहानी ऐसे चलता है, ये जो लोग थे सारे इसको जो ये जो इसको भगा दिया, अब इसके जो भी मकान है ये सारा कुछ है, इसको सर ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, बाढ़ आया कुछ भी आया तो जो खत्म हो गया, जो नया लोग है ना, नया लोग उसको ये नहीं पता, खाली उसको पता है कि ठीक है मकान उकान है, लेकिन ये सब जैसे कोई मटका बनाता होगा कुछ होगा तो उसके तो हम कुछ सीखे नहीं, डायरेक्ट हम उस पर आक्रमण किए या मान लिया खत्म हो गया, तो उसे कुछ तो सीख तो नहीं पाए। वैध ऐसे समझो अचानक मान लिया यहाँ पे बाढ़ आ जाए भूकंप आ जाए ये खत्म हो जाए, 1000 साल बाद यहाँ लोग आएगा, 1000 साल बाद कोई नया लुक आएगा तो उसी जब खोद के देखेगा तो बोलेगा ऐसे लोग रहता था, ऐसे साड़ी पहनता था, ये सब नथिया बुटा उठा था लोग, ये जो आइडिया लाया ये नहीं पता चलेगा ये नथिया बनता कैसे था, ठीक है, कैसे लोग बाल सीता था ऐसे बावरी लगा के, फिर सिंदूर कहीं मिले तो सिंदूर क्या लगाता था, तो आइडिया लगा दे सिंदूर कुछ होगा अच्छा चीज होगा, तो सब महिला का सिंदूर तो बोले अरे सब तो कुछ लोचा है, सबके पास सिंदूर है कुछ तो बात है, फिर देखे कुछ लड़की का सिंदूर है नहीं तो महिला का सिंदूर, तो बोले था मतलब आइडिया लगा वो भी हल्की मूवी तो लगा सकती है, तो ऐसे आइडिया लगाते, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री का अनुमान ऐसे लगाते, समझे, मतलब कोई हिस्ट्री ऐसे नहीं लिख, मतलब खासकर जो कुछ साक्ष्य जैसे पुरातात्विक साक्ष्य जो हम सिंधु घाटी सप्ताह में निकाले तो कोई एडजेक्ट उसमें थोड़े लिखा था कि देखो ये है ये हम एक सिंगी पशु हैं हमारा नाम देख लो, वहाँ ऐसे बोले भी तो उसका लिपि बहुत चीज कुछ पता ही नहीं चलता क्या लिखा। लेकिन जब वैदिक लोग रहना शुरू किया आर्यन लोग, जहाँ से हम लोग भारत वंशज माने जाते हैं इसलिए वो लोग बहुत पहले आया,
लिखा है उसी सबके नाम पे भरत वंश था, फिर हमारा देश भारत बनता है। ठीक है, कहीं कहीं आर्यावर्त भी बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे भारत का नाम पता है आर्यावर्त भी, उसी आर्यन के नाम पे ही आर्यावर्त पर। तो महाभारत में हमेशा श्रम मिल जाता है आर्यपुत्र। ठीक है, आर्यपुत्र मतलब हुआ कि हम लोग आर्यन जाति के, तो आर्यपुत्र इस तरीके से दो नाम होता है। फिर बाद में फिर हिंदुस्तान भी नाम पड़ा, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये वैदिक लोग फिर हमारे यहाँ। अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वैदिक लोग जो मतलब जो आर्यन लोग रहना यहाँ पे आए ना, तो वो जो जिंदगी शुरू करते हैं फिर से जीरो से। क्या करते हैं जीरो से, मतलब ऐसे समझो कि जो हम पूरा पाषाण काल से मतलब ऐसे बैठे, मतलब हम 25 लाख पहले लगभग मानव का जो है विकास शुरू हुआ हमारे यहाँ। और शुरू होते होते जिसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोसेपियन, क्या बोलते हैं ये टर्म आता है होमोसेपियन, मतलब हम लोग हमारा आदि मानव होमोसेपियन, मतलब यहाँ से आदमी विकसित होना शुरू किया। मतलब ऐसा है कि आदमी का कहानी ऐसे है कि वो बंदर की तरह ऐसे चलता था। चला तो एक चीज समझा देते हैं, जो जानवर ठीक है सुन लिया, जो जानवर जैसे ऐसे जैसे झुका होगा ना उसका बुद्धि कमजोर, ठीक है, जैसे भैंस हमेशा ऐसे सुतर रहेगा उसका बुद्धि मोट होता है। अतः जो जानवर धीरे धीरे ऐसे खड़ा होना शुरू किया उसके पास बुद्धि आना चालू होता है। कैसे चालू होता है, इसीलिए क्योंकि इसका दिमाग कैसे होता है, और कोई जानवर है इसका दिमाग यहाँ पे है ऐसे रहा है, ठीक है ऐसे करके है ना ऐसे होता है, पर और खड़ा हो तो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे होगा। अब बंदर तो ऐसे खड़ा हो जाता है, बीच बीच चलता तो ऐसे ही है, ना, लेकिन बीच बीच ऐसे खड़ा हो जाता है, तो बंदर बीच बीच ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो सुनो होता क्या है, कहने का मतलब जैसे जैसे ये सीधा किया पाए ऐसे ऐसे लोगों में बुद्धि शुरू, ऐसे इसे हम कैसे समझाए तुमको, तो ऐसे समझो कि जैसे जैसे दूसरा आदमी के लिए समझा, इसलिए बचपन में क्यों बोलते थे सीधा बैठो दिमाग तेज होता है, सुने हो कभी पलथा मार के बैठो सीधे बैठो, क्यों, क्योंकि जितना हमारे ये स्पाइन ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये सारा तो क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, तो जितनी सीधी रहती है ना उतना दिमाग तेज, ये आदमी के लिए भी सही है। जो आदमी बराबर झुक के ऐसे रहेगा तो आलसी हो जाएगा, बकलेल हो जाएगा, इसलिए क्या ऐसे एकदम तन के ऐसे जो आदमी चलता है बहुत क्या पावरफुल आदमी, तो ऐसे मतलब जैसे जैसे आदमी खड़ा होना शुरू किया ना ऐसे ऐसे वो विकसित होना चालू, मतलब पहले चार पैर पे फिर दो पैर, फिर आदमी का विकास शुरू होता है, फिर पाषाण काल आता है जिसमें लोग घूमता रहा जंगल में मार उड़ खाते रहा, ठीक है, फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर आगे फिर और लोग खेती बाड़ी शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, फिर सिंधु घाटी सप्ताह में लोग धीरे धीरे, वो उसी टाइम का बहुत लंबा काल है, उसमें लोग धीरे धीरे सीख लिया, फिर घर बनाना सीख लिया, फिर वो चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है, बाढ़ आया, अभी उसमें कोई नहीं मानता, लेकिन सलमान बात है कि बाढ़ उड़ आया सब। अब क्या हुआ, फिर वैदिक लोग रहना आया, तो वैदिक में दो काल है, ठीक है, मतलब अब हमारा मतलब देखो एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि आज हम थोड़ा आ जाते हैं सभ्यता का क्या मतलब, अभी जो हम बार बार पहाड़ कर रहे हैं तुम लोग पूछना चाहेंगे हिंदू सभ्यता, और अभी हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, क्या किससे बात करेंगे वैदिक सभ्यता। तो एक चीज समझ मेरे क्लास में क्या होता है ना, थोड़ा दिमाग लगाना चालू पड़ता है, इसीलिए कि ताकि तुमको कम रखना पड़े, ठीक है ना, अब जैसे किसी का किताब का नाम पूछे तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं अधिकतर तुम लोग समझ कम से कम माथे पर बात है, हम इससे जिससे शिफ्ट किए वैदिक सप्ताह में, ठीक है, सिंधु घाटी सप्ताह से तो वैदिक सप्ताह में शिफ्ट किए, देखो इसका नाम अलग है इसका नाम अलग है, तो सभ्यता का क्या मतलब, सभ्य का क्या मतलब समझते हम लोग, दिमाग लगा के बड़े बच्चे की तरह दिमाग धीरे धीरे खुलने लगेगा। टेंथ का टेंशन मान लो, ट्वेल्थ का एग्जाम तो ऐसे भी पढ़ोगे ना तो लिख लोगे, वो तो अगर इतना दिन पढ़ते हैं तो तुम लोगों का टॉप में नंबर आना चाहिए,
उसमें टेंशन ना लो, वो तो और देखते देखते उसी में टेस्ट में आते जाए तुम लोग खत्म हो जाए। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन क्या, नहीं तो तुम भी क्वेश्चन बना के नहीं लाए हो, तो इसको लगता है सूट क्या करते रहते रात को, तो एक सप्ताह जैसे लगता है सूट क्या आती है कौन दुनिया में रहती, तुम्हारा शादी लग रहा है मनीषा आती थी जैसे हाँ कैसे बात, टॉपिक बदलते हैं। हाँ अब आते समता क्या मतलब, देखो दिल्ली चल गए पटना में है, उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, अच्छा हुआ सिंधु घाटी सप्ताह का चर्चा हो तो याद आ गया वो घर का, वो एक्चुअली बहुत बड़ा ऐसे है, ठीक है मतलब ऐसे डॉम के तरह ऐसे है, ठीक है यहाँ छोटा सा इसमें घर है जाने वाला, इसमें क्या होता है अनाज जमा होता है चारों साइड से, इसमें घर है ये बहुत ऊँचा है, यहाँ पे सीढ़ी ऐसे ऐसे लगा, ठीक है इसका इसमें अनाज रखा जाता था, और इतना बड़ा है ना कि पूरा पटना का इसमें अनाज आ जाता है, देखते हैं इतना बड़ा। चलो अब हम बात कर लेते हैं शब्द का क्या मतलब होता है, यही टर्म आता है सभ्यता, सभ्य मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जैसे किसको बोलते हैं सभ्य लोग, तुम जानवर की तरह करोगे झगड़ा करोगे तुमको सभ्य लोग नहीं बोलते, हम लोग सभ्य मतलब होते अच्छे लोग, सभ्यता का मतलब यही होता है कि जब हम जानवर थे बेकारों की तरह घूमते थे कुछ ज्ञान नहीं था, तो हमने धीरे धीरे बुद्धि होना चालू किया और धीरे धीरे जो हम चीज़ों को विकसित होता चला गया ठीक व्यवस्थित होता गया तो एक सभ्यता बन गया, मतलब उस उसी लोगों का ऐसा ग्रुप बन गया जो धीरे धीरे तेज होता गया और एक तरीके से जीने लगा, तो उसी को बोलते हैं सभ्यता। और हम बोलेंगे सिंधु सभ्यता मतलब क्या, कि कुछ लोग कुछ समय के लिए 8-10 हज़ार मतलब कुछ हज़ार साल के लिए इस जगह पर रहा, ठीक है तो ये उसी टाइप का लोग कंटिन्यू रहा उतना दिन, तो वो उस टाइम का वो सभ्यता होगी, समझ इसको फिर समझो। इसका वैदिक लोग जो आया तो फिर रास्ता चला गया अभी तक, और अभी तक हम लोग वही लोग, अभी तक हम लोग खत्म नहीं हुए, जैसे कुछ अब भूकंप आ जाए सर हम लोग एक ही बार सर हम लोग सब लोग सब लोग सब उड़ जाए मर जाए भाई बम वम मार दिया पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, ठीक है खत्म हो जाए सब मर गया कहीं का जंगल जंगल में कहीं एकदम कोना में कुछ आदमी बचा होगा, तो फिर 1,000 साल उसका जनसंख्या बढ़ते बढ़ते फिर भर जाएगा, तो बोले भाई कौन रहता था वैदिक लोग जींस उन्स पहनता था नशिया वशिया लगाया कुछ भी किया, मतलब कहने का मतलब वो हमारे बारे में देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये कैसे लोग रहता था, खोजेगा क्यों। अब देखो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा भी, हाँ अभी भी ऐसा जगह है कोई आदिवासी जंगली लोग जो कुछ ऐसे जगह पर रहता है ना जहाँ पर कोई लोग पहुँचता ही नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं। अच्छा एक सुनो इसको ऐसे समझो कि तुम मोबाइल अपना बंद कर लो, कभी समाचार नहीं सुनो, घर में बंद हो जाओ, कभी बाहर नहीं निकलो, तुमको क्या पता चलेगा दुनिया के बारे में, तुमको लगेगा कि दुनिया इतना ही बड़ा है, हम हैं अकेले दादू बाबा की तरह बैठे हुए, पूरा दुनिया वीरान है,
करना है क्या? तो सभ्यता के ये तो जो सिंधुवासी थे जो 2400 से लेके 1700 जो ईसा पूर्व हम लोग पढ़ते हैं कहानी, इसमें ये लोग रहा और 1700 के बाद धीरे धीरे ये मतलब ये खत्म हो गया। कुछ लोग बोलते हैं भाग गया, मर गया, जो भी हुआ। तब जो लोग आया ना वैदिक, ये दूसरे टाइप के लोग, ठीक है, ये दूसरे टाइप के लोग थे। तो वैदिक लोग फिर आए, फिर से जिंदगी इसका शुरू होता है। अभी ये ऐसे है, सिंधु सभ्यता में मकान का घाट सामने काफी विकसित था, इनको थोड़ा समझने का प्रयास। अब जो वैदिक सप्ताह में फिर से एक तरह से जिंदगी, गांव का जिंदगी फिर से शुरू, फिर से वही पशुपालन, मतलब थोड़ा विकसित लोग था। ऐसा नहीं कि पहले का तरह, मैंने आदमी बन गया था, जानवर नहीं था, आदमी बन गया, लेकिन आदमी में भी ज्यादा विकसित नहीं था। मतलब फिर से उसको ना मकान का घर बनाना आता था, तो फिर से वो जिंदगी उसका शुरू होता है, घर फूस घर सबसे, ठीक है। इसलिए वैदिक सप्ताह, दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है, सिंधु सप्ताह एक नगरीय सप्ताह, वैदिक सप्ताह एक गाँव वाला सप्ताह। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए आता है, जब हम बोलते हैं तो उसको ध्यान सुना करो। सिंधु सप्ताह में अच्छे लोग मकान उकान में रहते थे, फिर वैदिक सप्ताह फिर से जिंदगी गांव का शुरू होता है, हो जाता है। अब ऐसा समझो यहाँ 100 साल के बाद सबका मकान हो जाए, फिर बोले बोरिंग लगता है, फिर से वो मिट्टी वाले घर में रहा जाए एकदम, वो गोबर लिप लिप के अच्छे से, तो फिर सोचो अच्छा छोड़ो ये मकान का, फिर से गोबर वाला जिंदगी कुछ ऐसा। हालांकि ये तो बहुत लोग बोलते हैं खत्म हो गया, लेकिन वैदिक सप्ताह में ऐसे फिर से लोग सही तरीके से फिर से मतलब ऐसे हुआ ना कि लोगों का जिंदगी फिर से शुरू हो गया। तो ये एक नया सप्ताह आ गया है जिसको हम लोग वैदिक सप्ताह। अच्छा वैदिक सप्ताह क्यों बोलते थे, उसके पीछे आप कारण समझाते हैं, तो आप थोड़ा इस पर हम लोग आएंगे। फिर हम कहानी लिंक कर लिए दोनों में, कैसे समझ आया ना कहानी, ऐसे नहीं पता चला अच्छा कहाँ से लोग अचानक सूद के उठे कि अरे सिंधु वैदिक सप्ताह से हम लोग कैसे वैदिक सप्ताह में, इसलिए कहानी बता दिया। बाकी क्या याद करना है उसको तो हम लोग बात कर लिया। अब क्या हुआ, वैदिक काल बोलते हैं या सभ्यता जो भी लोग वैदिक काल, इसमें दो काल है समय, एक है ऋग्वैदिक काल, फिर है उत्तर वैदिक। तो उत्तर माने क्या होता है, उत्तर मतलब होता है बाद का काल, ऋग्वेद मतलब होता है ऋग्वैदिक मतलब शुरू का काल, और उत्तर वैदिक मतलब होता है हजार से लेके 300 ईसा पूर्व तक का कहते हैं। इसका मोटा मोटी टाइम 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब तुम समझ में आया है, और इसका है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। संख्या ईसा पूर्व मतलब तुम समझा दिए थे ना, ठीक है, ये इसका समय है। मतलब देखो ये मानता है कि हम घंटा घंटे मारते हैं 2400 से लेके 1700 तक, कितना दिन तक रहा सिंधु घाटी सप्ताह लो और खत्म हो गया, या मोटा मोटी कहीं कहीं 1500 मानते हैं, ठीक है 1500 तक वो मानते हैं ना, पूरा पूरा खत्म हो गया। 1500 के बाद ऋग्वैदिक काल चालू हो गया। ऋग्वैदिक में दो काल है, ऋग्वैदिक काल तो मतलब वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल तो ऋग्वैदिक काल इसलिए बोलते हैं कि शुरू के टाइम में क्या हुआ कि ऋग्वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिरिंग वेद सांबे जजू वेद, तो वेदों का मतलब लिखना चालू, हालांकि लिखने का कला गलती हो गया, मतलब लिखने का कला उस टाइम में नहीं था, लेकिन लोग वेद कुछ कुछ लोग निर्माण करना चालू करते, ठीक है, उसमें पुराना ज्ञान हमारे पास जो भी चीजें थी, भगवान की स्तुति पूजा पाठ इत्यादि इसमें चालू हो, ठीक है। उत्तरवैदिक काल में थोड़ा और विकसित होता है लोग, तो और परिवर्तन आता है उसके जिंदगी में, जैसे कि अभी बात करेंगे क्या क्या, जैसे कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आता है, जाति प्रथा का क्या स्थिति था, महिलाओं का क्या स्थिति था, सारे बात हम लोग पढ़ेंगे। मतलब यही काल है जो इसमें था, दूसरा टाइप की घटना है इसमें दूसरी टाइप की घटना, ऐसे वैदिक सप्ताह का शुरुआत। क्या समझ में, इसमें वैदिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेदों का निर्माण होता है इस काल में, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद इत्यादि जो वेद हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सारा इसी काल का देन। हालांकि देखो एक और समझाते हैं, इस टाइम में जो चीजें लिखी गई है ना वो लिखी गई नहीं है, इसलिए समझा दें, क्योंकि हम लोग
जब इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो जब हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं ना, ऐतिहासिक काल वो 600 ईसा पूर्व के बाद का काल बोलते हैं। इसका मतलब इस टाइम में क्या हुआ था ना, लोग तो वेद तो पढ़ता था, लेकिन उस टाइम में ये स्टाइल था, गुरु शिष्य परंपरा, सीधा बोलते थे हम लोग, नहीं लेखन कला नहीं था, यही हम बात। इसलिए श्रुति का कंसेप्ट अभी अभी पढ़ाएंगे, श्रुति स्मृति इत्यादि चीजें होती थी, लेकिन हम लिखने का कोई ऐसा कुछ ये नहीं था कि जो ज्ञान था सीधा माने हम तुमको समझाया बैठ के रटवाए। इसे तुम देखोगे पुराण का मूवी सब में होगा, एक बाबा बैठे हैं, ऋषि बाबा, दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए हैं, स्टूडेंट सारे बैठे हुए हैं, एकदम रट सब रटा रहे हैं, ठीक है। ये चीज तो मैं ये वादी वादी का, ठीक है। तो वेदों का निर्माण होता है, फिर आदि वेदों का निर्माण हुआ, आदि चीजों का इसमें लोग पढ़ाई शुरू कर, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा की जब बात करते हैं, जाति नहीं था वैदिक काल में, फिर जाति प्रथा का हमारा विकास शुरू हो जाता है वैदिक काल में। जाति जैसे अब समाज है, समाज तो किसी न किसी वर्ग में बटा होगा। अच्छा चलो इसी में से पॉइंट ऑफ पढ़ लें, कितना चीज बाकी समझना था। हाँ, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। आज सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। हाँ, अब ये देखो, अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो आर्य लोग आए, मतलब ये जो हम जो बार बार बोलते हैं कि ये लोग वैदिक लोग आर्यन थे, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कहाँ पे आए, तो पंजाब और अफगानिस्तान, ये जो हमारा अभी बताया था ना कि एरिया सब है, तो पंजाब में और अफगानिस्तान में, यहाँ पे बाहर से लोग आए और फिर बसना चालू किया, नए जो लोग हम बता रहे हैं बसना चालू किया, ठीक। मैक्स मूलर ने आयो को, अच्छा ये कंसेप्ट आता है जिसको हम इस पर बात करेंगे कि अलग अलग लोग, अभी जो बाहर के लोग जो आए थे वो भी तो कहीं से आए गए, तब उसमें अलग अलग मत है। जैसे मैक्स मूलर का मानना, हालांकि अब इस पर विवाद चल रहा है, लेकिन आप देखते हैं क्या होता है, जब तक इस पर सुलझाया नहीं जाता। तो मैक्स मूलर एक बहुत बड़े हमारे हिस्टोरिकल है, उसका मानना है कि जो ये जो मैक्स, मतलब ये जो लोग आए बाहर से, वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया ये है, ये पूरा है ना हमारा पूरा, ये फटेगा नहीं, सुन दे निकाल देते, ये भारत है, तो यहाँ ये सारा एशिया है, एशिया इधर से ये मंगोलिया, इधर से आना ऐसे आके आना, ऐसे आए और यहाँ पे बसना चालू कर, मतलब मध्य एशिया से, मध्य एशिया मतलब बीच का। उससे पहले एक उसमें और आता है, कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग अफ्रीका में पहले रहते, अफ्रीका से गए मध्य एशिया, मध्य एशिया से वापस भारत है, इसमें लंबा कहानी है, ठीक है ना। तो अभी हमको जो काम का उतना समझना है, ठीक है। अगला जो अगला लॉट हमारा टारगेट ही है, ये सब सारा कहानी खत्म करेंगे, ठीक है ना, ये बच्चे वाले जितना है तो लोग सब कहानी सब बताएंगे। अभी चाहते हैं थोड़ा एक लॉट में थोड़ा कम फर्स्ट, क्योंकि इन लोगों का फिर ज़्यादा बर्डन हो जाए, तो उन लोगों को भी ज़्यादा चीज़ पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करके आया और फिर यहाँ पे हमारा भारत में रहना शुरू किया और वैदिक सत्ता का निर्माण हुआ, ठीक। चलो, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे क्वेश्चन आता है ग्रामीण, बता दिए ग्रामीण मतलब गांव में, गांव से फिर से जिंदगी लोग शुरू होता थे। और गांव में कैसे था लोग, गांव में कैसे बटा हुआ था, गांव का मुखिया को ग्रामीण कहते थे, ठीक है। इसके बाद विष मतलब गांव ऐसे बटा हुआ, कुल ग्राम विष, अच्छा ये हम समझा देंगे, रुक जाओ, ये इससे पहले दूसरा समझो, राज अधिकारी पुरोहित और सेनानी प्रमुख, हाँ ये चीज है सर, मतलब अब जो ये जो राज चलता था ये कैसे चलेगा, उसमें जो अच्छा उस टाइम में चार वर्ग, मतलब तीन वर्ग उत्तर वैदिक, अभी सॉरी ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में चार वर्ग होते थे मेनली, जैसे राजा, पुरोहित या पंडित, इसके अलावा श्रमिक या लेबर जिसको बोलते, तीन वर्ग जिसको, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे लिखा रहता है किताब में, इसको लिखते हैं छत्र, देखो सबसे पहले ऐसे लिखा रहता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक, वैश्य तथा शूद्र, क्या है ये शूद्र इस काल में नहीं था, ये बाद में जब उसकी कहानी बताते हैं। तो मतलब समाज में ये तीन वर्ग मिल रही थे, जो ब्राह्मण का काम था, ब्राह्मण ये नहीं था अभी काम ब्राह्मण करते हैं, सुनो उस टाइम में जो किताब पढ़ता उसको उन्होंने ब्राह्मण बोलते, क्या बोलते थे, ब्राह्मण। क्षत्रिय का क्या काम था, लड़ाई करना, अब लड़ाई का क्या कंसेप्ट था बताएंगे आगे, लड़ाई करना, वैश्य काम था जो
हम लोग जो काम करते हैं पढ़ना लिखना अपना खेती उती करना, तो ये वैश्य का काम। और शूद्र का काम था सेवा करना, वो बाद में बताएं। जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो नीचे का काम होता है किसी का सेवा करना, क्योंकि घर में काम करना, तो ये सब शूद्र का काम, ये बाद में कंसेप्ट आता है शूद्र का, तो उसको हम लोग बात करेंगे। ये सब ऋग्वैदिक। और दूसरा बात ये था कि ये सारा काम क्या था ना, ये जैसे ब्राह्मण कुछ काम किया तो पढ़ने लिखने का, कोई भी तुम भी पढ़ो तुम भी ब्राह्मण हो गए। अभी ऐसे नहीं है कि चलो ब्राह्मण के घर में पैदा लिए तो ब्राह्मण, वो कंसेप्ट नहीं था। पढ़ा लिखा इस संबंध से जुड़ लिए तो उसको ब्राह्मण हम लोग समझे। जो लड़ाई करेगा, कोई भी आदमी लड़ाई करेगा, क्षत्रिय हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट। तो इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा जो हम जो शब्द आता है कि जाति का विभाजन जो है उसके काम के आधार पर था। किसके आधार पर? उसके काम के आधार, ना कि उसके जन्म के आधार। अब जैसे क्या है, तुम किसी जिस पापा जी जो है वही जात का लोगे, उस टाइम ऐसा नहीं, तुम किताब पढ़ लिए तुम बावन हो, समझना अंतर। तुम तलवार तुम लड़ाकू हो गए, तलवार लेके रानी लक्ष्मी बाई हो गए, तुम क्षत्रिय हो गए। ये सिस्टम का तो चार वर्ण इस तरह से बताओ। तो इसमें जो मेन राजा, ये जो क्षत्रिय वर्ग, ये राजा होता था, क्या होता था? राजा राज। और इसको गाइड करता था ब्राह्मण। अभी कहानी बताएंगे ना कि ब्राह्मण के पास इतना जमीन क्यों होता है, इस यही से कहानी लिंक है। तो सब मजेदार कहानी है, इसलिए बहुत मजेदार लगता है। अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, तुमको एक एक चीज समझ में आएगा। तो ये जो राजा होता था ना, ये राजा ठीक है, ये ब्राह्मण इसको, क्योंकि राजा के पास तो दिमाग नहीं था, राजा तो तलवार लिए भोग दिए, इसको भोकना उसका काम ही है खाली मार करो, लूटो, अहंकार, हम बड़े, ए निकाल कट्टा, हम बड़ा तो हम बड़ा, ये हमारा सामने तू लोग मारोगा ना, ए तू हमारा सामने मैं निकाल काट दूंगा। तो राजा के ये सिस्टम था, मतलब राजा ये से था, चलो ठीक है, तो क्षत्रिय मार बस करना है मार। इसको बुद्धि कौन दिया? ब्राह्मण, कि कैसे मार करना है, किसके साथ मरना करना है, राज कैसे चलाना है, राज का क्या नीति होना चाहिए, सारा तो सारा काम राजा ही देखता था। राजा और ही नॉल हुआ एक तरह से, किसको मारना है, किसको क्या सजा देना है। लेकिन एक ब्राह्मण उसको गाइड, उस वो किताब लिखता है, उसमें लिखा होता था इसके लिए ये सजा है, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो तुम पुराना अभी मूवी देखोगे ना, इसमें राजा महाराजा का देखा ना कहानी, तुम ये देखोगे उसमें कि एक तुमको देखो एक ब्राह्मण बैठा रहेगा, बोलेगा फल्ला जी उठिए, इस कर्म के लिए हमारे किताब में धर्म ग्रंथ में क्या सजा लिखा हुआ बताइए, ठीक है, उंगली फोड़ दिया है, हाथ काट दिया जाए इसका। राजा कहेगा अरे इसका हाथ काट दिया, राजा ठीक रहेगा तो बोले नहीं ये गड़बड़ बात है, ये तो खून के बदले खून हो गया, ये नहीं, अच्छा ठीक है इसको कम सजा, गड़बड़ राजा हुआ, ठीक है ऐसे सर अरे गर्दन काट दो इसको, अगला बार से कोई हिम्मत नहीं करेगा, बोले हाथ के बदले गर्दन उड़ा दो, ठीक है। तो समझना आया, ये कहान चलता था वैसे क्षत्रिय राजा का। तो तुम लोग सुन के हंसी लग लगे, ऐसी ही स्थिति राजा महाराजा। अभी आगे जो तुम मुगल संपरा सुनोगे ना, मुगल में जो बाहर के लोग मंगोल और नादिर था, मतलब क्या नाम था उसके, नाम से वो लोग ऐसे ऐसे लोग थे कि आदमी का मुंडी कटवा के चौराहे पर लटवा देता, ऐसा ऐसा लोग पागल सब कार देगा ऐसे भला घोप के हजारों आदमी को मुंडी लेके जा रहा है, उसका इतना दस्तक दहशत मतलब फैलाना चाहता था, ऐसे ऐसे लोग। चलो ठीक है, तो ये बात क्या कुछ पूछना है तुम क्यों कुछ बोलते रहो, कुछ पूछना है तो पूछो, गप मत करो आप, ठीक है। ऐसे बहुत है अभी पढ़ना है तो किताब उताब है पहले से बात करेंगे, तो बहुत ये थोड़ा बड़ा चैप्टर, यही दो तीन चैप्टर तो बड़ा है, वैदिक काल के बाद तुम्हारा बौद्ध धर्म जैन इसका महाजनपद, ठीक है महाजनपद, फिर इसके बाद तुमको बौद्ध धर्म जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य, ये तीन चार चैप्टर तो बड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छा अच्छा खासा तुम लोग को ध्यान से सुन लो, अच्छा खासा क्वेश्चन है सबसे। अगले दिन फैमिली जो हमारा महाभारत का कहानी है तो उस पर बात करेंगे, देख लियो बाबा रवि दिन बाबा का पूछा कर हमर में की सब सामान अतार ओडिया के देख लो।
बोला मास्टर मास्टर मत बोलो, मास्टर नहीं बना।